फरिश्ते इंसान के साथ लगे हैं, उसका अमल लिखते हैं, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, सही देख रहा है गलत देख रहा है, कहाँ जिंदगी गुजर रही है, क्या कमा रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, क्या कमा रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है। हाँ, किसी ने ना दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे किरामन कातिबीन दिखाओ, वो फरिश्ते हैं जो अमल लिखते हैं। एक दिन ख्वाब में उसने देखा कि दो बुजुर्ग हैं, सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी, रजिस्टरों का ढेर, हाथ में कागज कलम, आवाज आई ये है किरामन कातिबीन। वो तो बड़ा खुश हुआ, भागा भागा गया, अस्सलाम वालेकुम, उन्हें कलम उठाई लिख लिया, अस्सलाम वालेकुम, देखा ये भी लिख लिया, उन्हें फिर कलम उठाई, ये भी लिख लिया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं छोड़ते हो, अभी कलम उठाई, कुछ भी नहीं छोड़ते हो, फरिश्ते हैं। तो हदीस में आता है फजर में और असर में फरिश्तों की तब्दीली होती है, फरिश्तों की तब्दीली, जो सारी रात साथ रहे फजर में चले गए, अब दूसरे आ गए, अब फजर से लेकर असर तक साथ रहे, वो असर में चले गए और आ गए, तो कैसी अजीब बात है। हदीस में आता है जब फरिश्ते वापस जाते हैं ना सुबह को, फजर में जो असर में आए थे, तो अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाते हैं, जब तुम गए थे तो मेरा बंदा क्या कर रहा था, अब तुम वापिस आए हो तो मेरा बंदा क्या कर रहा था। देखो हर आदमी क्या चाहता है, महकमे में काम करता है तो उसकी रिपोर्ट ऊपर जाए तो अच्छी रिपोर्ट जाए, क्या चाहता है, रिपोर्ट क्या जाए, अच्छी रिपोर्ट जाएगी तो मेरी तरक्की होगी, अगर रिपोर्ट गलत चली गई तो भाई मुझे तो छुट्टी करा देंगे। तो हर आदमी की रिपोर्ट बनती है भाई हर रोज, और हर रोज की रिपोर्ट ऊपर जाती है। तो फरिश्ते से फरिश्ते जवाब देते हैं कि अगर वो पक्का नमाजी है ना, तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह कल शाम को गए थे ना तो असर की नमाज पढ़ रहा था, अब वापिस आए हैं फजर में तो फजर की नमाज पढ़ रहा था। वाह वाह, कितनी अच्छी रिपोर्ट गई उसकी भाई। और अगर खुदा ना खास्ता बेनमाजी है ना, तो फरिश्ते क्या कहेंगे, कल शाम को गए थे तो बाजार में था या दुकान में था या खेल के मैदान में था, हैं? और अभी वापिस आए तो पड़ा सो रहा था, तो रिपोर्ट कौन सी गई, बोलो भाई, रिपोर्ट अच्छी गई कि खराब गई। जब किसी की खराब रिपोर्ट ऊपर जाएगी तो हालात कैसे आएंगे, फिर हालात कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे कि खराब आएंगे उसके लिए। ये मेहनत है तबलीग में भाई, नमाज पढ़ो भाई, दीन सीखो भाई, हम मुसलमान हैं।